बहनों भाइयों, लंबे समय से इस पश्चिमी बंगाल में टीएमसी की सरकार को काम करते हुए आप यह देख रहे हैं। यदि किसी से पूछा जाए कि टीएमसी की सरकार आने के बाद पश्चिमी बंगाल में क्या हुआ है, लोग यही कहेंगे यहां पर तोलाबाजों, अपराधियों और भ्रष्टाचारियों का यहां पर जबरदस्त बोलबाला हुआ है। जो भी सरकारी ठेके होते हैं, मेरी जानकारी में है यह टीएमसी में काम करने वाले कार्यकर्ताओं को ज्यादातर यह सब ठेके दिए जाते हैं। जनता की गाढ़ी कमाई को लूटने का काम इन लोगों के द्वारा किया जा रहा है। कानून और व्यवस्था नाम की कोई चीज पश्चिमी बंगाल में नहीं है। कैसे विकास होगा इस पश्चिमी बंगाल का? किसी भी राज्य के विकास की पहली शर्त होती है कानून और व्यवस्था का चुस्त दुरुस्त होना। यदि लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था आदि ठीक नहीं है तो किसी भी सूरत में राज्य का विकास मेरे बहनों भाइयों नहीं हो सकता है। हम लोगों ने केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चलाकर यह दिखा दिया है विकास करना यदि कोई राजनीतिक पार्टी जानती है तो उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी, जो विकास करने की कला जानती है।